वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे बार बार ये बात पूछते हैं कि क्या उन्हें टीवी की जगह किसी प्रोजेक्टर को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो उसका आज मैं आपको साफ साफ जवाब दूंगी। टीवी में आपको कभी भी वो व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है जो एक बड़ी स्क्रीन पे मिलता है। बड़ी स्क्रीन पे सिनेमा हॉल की तरह एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है जब आप सब कुछ बहुत क्लियरली बड़ा बड़ा देख सकते हैं। लेकिन टीवी की तरह आप प्रोजेक्टर को केयरलेसली चलाकर घंटों घंटों छोड़ नहीं सकते हैं। प्रोजेक्टर को नॉन एसी रूम में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे ही चलाना सेफ रहता है, और एसी रूम में आप प्रोजेक्टर को 6 से 7 घंटे भी चला सकते हैं। ये नहीं है कि 3-4 घंटों बाद प्रोजेक्टर चलेगा नहीं, वो चलता जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ज्यादा हीट झेलते झेलते उसका डिस्प्ले बर्न होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा आपको प्रोजेक्टर को डस्टी एनवायरनमेंट में प्ले करना अवॉइड करना होगा, नहीं तो स्क्रीन पे डस्ट स्पेकल्स दिखने लगेंगे। प्रोजेक्टर को अगर आप ओकेजनल व्यूइंग के लिए रखेंगे तो वो सालों साल चलेगा, और जब आप उस पे मूवीज देखेंगे तो आपको एक एक्साइटमेंट भी महसूस होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखते हैं, तब आप टीवी की जगह प्रोजेक्टर ही ले। रोज 3-4 घंटे कंटेंट देखने के लिए प्रोजेक्टर एप्रोप्रिएट होते हैं। तो आज मैं जिस प्रोजेक्टर का रिव्यू करने जा रही हूँ, उसका परफॉर्मेंस देखकर कोई नहीं बोल सकता है कि ये under 10K का प्रोजेक्टर है। जो ब्रिलियंस ये डिस्प्ले करता है वो सिर्फ under 20K के प्रोजेक्टर से ही स्पेक किया जा सकता है। अगर आप इस under 10K के प्रोजेक्टर को खरीद लेते हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको किसी under 20K के प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी को देखकर भी ये मलाल नहीं होगा कि काश आपके पास ज्यादा पैसे होते और आप उसे ले पाते। ये प्रोजेक्टर अपने पैसों के हिसाब से एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देता है, और क्योंकि ये बहुत सस्ता है इसलिए अगर आपके पास टीवी भी है तब भी आप इसे खरीद कर अपने हॉलीडेज और वीकेंड्स को इंजॉयबल बना सकते हैं। द ग्रेट थिंग अबाउट अ प्रोजेक्टर इज दैट इट एड्स एन एक्साइटमेंट, अ जिंग टू योर मोनोटोनस लाइफ। किसी प्रोजेक्टर को खरीदने से पहले सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी होती है वो है उसकी ब्राइटनेस, फिर आता है उसका कलर रिप्रोडक्शन। अगर ब्राइटनेस कम होगी तो जब डार्क सीन्स आएंगे तब आपको इरिटेशन होगा। ZATCO का ये under 10K का प्रोजेक्टर एक ऑलराउंडर है जो अच्छी ब्राइटनेस और बहुत बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन के चलते आपको फुली इंटरटेन रखता है। ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस पे कंटेंट देखने के बाद आपको एक under 50K का टीवी भी बांधे नहीं रख पाएगा। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहां से खरीद सकते हैं। इसका एक एंड्रॉइड मॉडल भी है लेकिन उसकी ब्राइटनेस इससे थोड़ी सी कम है, मगर उसमें 4D कीस्टोन करेक्शन दिया गया है। अगर आपको कॉर्नर से प्रोजेक्शन करना है तो फिर आप एंड्रॉइड वर्जन के लिए ही जाएं, नहीं तो ये वाला एक बेटर डील होगा क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखने के लिए आपको ऐसे भी अलग से एक टीवी स्टिक लेनी ही पड़ती है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको इसके एंड्रॉइड वर्जन को खरीदने में लगेंगे उसमें टीवी स्टिक आ जाएगी और इस पे आप सारे कंटेंट्स हाई रेजोल्यूशन में देख पाएंगे। तो चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। ये है ZATCO युवा प्लस अपग्रेडेड फुल HD प्रोजेक्टर। बॉक्स के ऊपर प्रोजेक्टर की सारी हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक HDMI केबल, एक पावर कॉर्ड, एक वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल रखी मिलती है। प्रोजेक्टर के कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रेड व्हाइट ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है। लेंस के चारों ओर एक ब्लैक ग्लास लुक पैनल दिया गया है जिसपे एक स्लाइडिंग पैनल है जो प्रोजेक्टर को डस्ट से बचा कर रखता है। ब्लैक ग्लास लुक पैनल के चारों ओर एक सिल्वर क्रोम फिनिश दी गई है जो ब्लैक के कंट्रास्ट में स्टैंड आउट करके इस प्रोजेक्टर के लुक्स को इनहेंस करती है। व्हाइट और ब्लैक कंट्रास्ट में ये प्रोजेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। ऊपर के सरफेस पे फिजिकल बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं, आगे की ओर ZATCO की ब्रांडिंग दी गई है। लेंस के साइड में फोकस व्हील और कीस्टोन करेक्शन रिंग है। पीछे की ओर पावर पोर्ट के अलावा स्पीकर दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए प्रोजेक्टर के साइड्स में वेंट्स दिए गए हैं। इसमें आपको पहले वाले युवा से ज्यादा इम्प्रूव डस्ट फिल्टर प्रोवाइड किया गया है जो प्रोजेक्टर में डस्ट जाने के चांसेस को बहुत कम कर देगा।
प्रोजेक्टर में ट्राइपॉड माउंट के साथ साथ सीलिंग माउंट का भी प्रोविजन है। ओवरऑल लुक्स में ये प्रोजेक्टर बहुत ही एलिगेंट और स्मार्ट दिखता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आने वाला ये प्रोजेक्टर लाइट वेट भी है, जिसे आप अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं। रिमोट की बात की जाए तो वो वेल बिल्ट है, जो व्हाइट के साथ ब्लैक कॉन्ट्रास्ट में स्टाइलिश लगता है और उसमें आपको यूजिबिलिटी के ऑलमोस्ट सारे बटन्स मिल जाते हैं। जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, तो इस प्रोजेक्टर के साइड में दो HDMI पोर्ट्स, दो USB पोर्ट्स, एक 3.5mm ऑक्स पोर्ट और एक AV पोर्ट दी गई है। अब बारी है आपको कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस बताने की। तो ये फुल HD प्रोजेक्टर 6600 ल्यूमेंस या फिर 490 ANSI ल्यूमेंस और 4500:1 के कंट्रास्ट रेशो के साथ आता है। इसमें 4.5 इंच की बड़ी LCD दी गई है। प्रोजेक्टर की 90 वॉट LED लैंप की लाइफ 50,000 आवर्स है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप 250 इंचेस तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें LTPS LCD टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पिक्चर्स को डिटेल बनाती है। इसके अलावा इसमें मैनुअल कीस्टोन करेक्शन दिया गया है और साथ में है मैनुअल फोकसिंग। ऑडियो के लिए इसमें 5 वॉट का इंक्लोज कैविटी स्पीकर दिया गया है। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इसे सेटअप करने की। तो बस आपको इसे किसी टेबल टॉप या फिर ट्राइपॉड पे प्लेस करके स्क्रीन के बिल्कुल सामने वहां रख देना है, जहां से वो स्क्रीन को फुली फिल कर ले, और फिर प्रोजेक्टर की फोकस व्हील और कीस्टोन रिंग की मदद से पिक्चर को स्क्रीन पे सेट कर देना है। क्योंकि इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए बेस्ट इमेज आपको स्क्रीन के सामने सेंटर से ही मिलेगी। और अगर आपका रूम छोटा है और इमेज स्क्रीन के बाहर जा रही है, तो आप सेटिंग्स में दिए गए जूम इन फीचर का यूज करके इमेज साइज को स्क्रीन के हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। 10 फीट की दूरी से ये प्रोजेक्टर अप्रोक्सीमेटली 100 इंच के अराउंड की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए मैं 150 इंचेस की स्क्रीन ही रिकमेंड करूंगी। अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के पिक्चर क्वालिटी पे। तो युवा का पुराना मॉडल भी बहुत ही बढ़िया था, बस उसमें थोड़ी डस्ट प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो कंपनी ने इस नए वर्जन में डस्ट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अपग्रेडेड डस्ट फिल्टर का यूज किया है, जिससे प्रोजेक्टर में डस्ट की प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में ब्राइटनेस को भी इनहांस किया गया है। ये समझ लीजिए कि एक बेहतरीन प्रोजेक्टर को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। जो इसमें पहले थोड़ी सी कमियां थी, उसे इस नए अपग्रेडेड मॉडल में दूर कर दी गई है। डार्क सीन्स में भी इस प्रोजेक्टर में ब्राइटनेस की कोई कमी नहीं खलती है। इसका कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही शानदार है, जो इस कम प्राइस के प्रोजेक्टर में मिलना एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। ये प्रोजेक्टर व्हाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करता है। कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट और पंची दिखते हैं, जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस इमर्सिव बना देते हैं। प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट भी काफी अच्छा है, जिससे कलर्स में विवेशियसनेस दिखती है, इमेजेस में शार्पनेस देखने को मिलती है और सारी डिटेल्स क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होती हैं। हालांकि डार्क बैकग्राउंड इस पे बहुत ज्यादा डीप नहीं दिखता है, लेकिन ब्लैक क्लोज और ऑब्जेक्ट्स सफिशियंटली डीप नजर आते हैं। थैंक गॉड इसमें HDR सपोर्ट नहीं दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि इसमें अच्छी बात क्या है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। HDR किसी TV या प्रोजेक्टर में तभी कोई मायने रखता है जब उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि HDR कंटेंट्स में ब्राइटनेस डिप हो जाती है और तब HDR कंटेंट्स अच्छे नहीं दिखते हैं। रियल मायने में HDR उन्हीं TVs या प्रोजेक्टर्स में सक्सेसफुल होता है जिसमें ब्राइटनेस बहुत हाई हो, जैसे हाई ब्राइटनेस वाले DLP प्रोजेक्टर्स। कई ब्राइट बजट प्रोजेक्टर जिनमें HDR दिया भी गया होता है, उनमें भी HDR कंटेंट्स अच्छे नहीं दिखते हैं। ब्राइटनेस डिप होने के बाद कलर्स डार्क हो जाते हैं और ओवरऑल सीन्स डल दिखने लगते हैं। ऐसे HDR प्रोजेक्टर पे आपको बेटर एक्सपीरियंस तब मिलता है जब आप फायर TV स्टिक की सेटिंग्स में जाके HDR को स्विच ऑफ कर देते हैं। इसलिए बजट प्रोजेक्टर्स में दिए गए HDR से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस रखना बेफजूल होगा। अब इसी प्रोजेक्टर को देख लीजिए, इसमें HDR कंटेंट्स के साथ साथ HDR कंटेंट्स भी ब्राइट और वाइब्रेंट दिखते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स, जो TV पे भी इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, वो इस प्रोजेक्टर पे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। 60Hz रिफ्रेश रेट वाले इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर का भी कोई खास इशू नहीं दिखता है। कैमरा पैनिंग सीन्स को भी ये प्रोजेक्टर डिसेंटली हैंडल कर लेता है। मैंने इसे Xiaomi 4K TV स्टिक से कनेक्ट किया हुआ है और यूट्यूब पे ये 4K तक का सपोर्ट दिखा रहा है। चाहे वो ओल्ड बॉलीवुड मूवीज हो या फिर हॉलीवुड कंटेंट, सबको ये प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया से
डिस्प्ले करता है। सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट भी इस पे बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि टीवी से ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये प्रोजेक्टर ब्राइट, कलरफुल और वेल फोकस्ड इमेजेस प्रोजेक्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट भी इस पे 100% फोकस्ड होते हैं। जब टेक्स्ट डिस्प्ले होता है तो कहीं आपको 3% से लेकर 5% तक का ब्लर दिख सकता है, लेकिन ये ब्लर पिक्चर्स को बिल्कुल भी इफेक्ट करता नहीं दिखता है। और फिर अच्छे से अच्छे बजट प्रोजेक्टर में भी ब्लर टोटली अवॉइडेबल नहीं होता है। ये प्रोजेक्टर यूएसबी के थ्रू भी डिसेंट पिक्चर अपस्केलिंग देता है। प्रोजेक्टर के फैन की आवाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जब ऑडियो प्ले नहीं हो रही होगी और आप प्रोजेक्टर के बिल्कुल पास में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी आवाज सुनाई देगी, जो ऑडियो प्ले होने के बाद पता भी नहीं लगती है। रही ऑडियो की बात, तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो क्रिस्टल क्लियर और हाई क्वालिटी की है। पुराने मॉडल से ऑडियो में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ऑडियो सफिशिएंटली लाउड लगती है, जो एक बड़े रूम को भी फिल कर देती है। डायलॉग्स को आप इस पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ सुन सकते हैं, और म्यूजिक तो इस पे बहुत ही इंजॉयबल लगती है, जब एक एक बीट को आप क्लियरली महसूस कर सकते हैं। हाई, मिड्स और लोज इस पे बहुत ही बैलेंस्ड फील होते हैं। डायलॉग्स में भारीपन भी महसूस होता है। रही साउंड बार कनेक्ट करने की बात, तो इसमें HDMI ARC नहीं दी गई है, और इस प्राइस के प्रोजेक्टर में ये फीचर एक्सपेक्ट करना अनजस्टिफाइड ही कहा जाएगा। लेकिन इसमें 3.5 mm ऑडियो बोर्ड दी गई है, आप इसके थ्रू किसी साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं, उससे भी ऑडियो का काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। I don't see how that's a party. Now might be a really good time for you to get angry. Still. Now. That's not coming. तुम्हें स्पीक करना नहीं आता? फिर स्की जैकेट क्यों लाए? हाँ, क्योंकि कलर अच्छा है। मजाक कर रहे हो ना? किसने मारा है उन्हें? आप लोग पकड़ क्यों नहीं रहे उन्हें? यार, हमारी कस्टडी में एक सस्पेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो इस सब में शामिल है। मैंने इस प्रोजेक्टर पे गेमिंग भी करके देखी है, और बिलीव मी, इट वाज अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। कोई स्टटरिंग या फिर लैग नजर नहीं आया। इस प्रोजेक्टर पे आप बहुत अच्छे से गेमिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को सम अप करते हुए मैं यही कहूंगी कि एक ऑलरेडी बेहतरीन प्रोजेक्टर को और भी बेहतर बनाकर आपके लिए वापस लाया गया है। इस प्रोजेक्टर का इस प्राइस पे मिलना ही सबसे बड़ा सरप्राइज है। इसका परफॉर्मेंस इसके पैसों के बहुत ही बियॉन्ड जाता है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टर नहीं है और आप सिर्फ टीवी से काम चला रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसे खरीद कर एक नया एक्सपीरियंस लीजिए। एक थ्रो अवे प्राइस पे बिकने वाला ये प्रोजेक्टर आपके इंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।